नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, रीएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और ठाणे में मैं साइकियाट्रिस्ट एज अ साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपको ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इस बीमारी के बारे में, मानसिक बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। तो ऑब्सेसिव यानी एक ही विचार दिमाग में घूमते रहना, बार बार आना, उसको ऑब्सेसिव या ऑब्सेशन कहते हैं। और वो विचार पे अगर हमें एक्शन करने का करने की इच्छा हो या फिर एक्शन करना ही पड़े तो उसे कंपल्शन यानी कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं और डिसऑर्डर यानी बीमारी। उदाहरण के तौर पे अगर मेरे दिमाग में आया कि मैंने कुछ बहुत बड़ी गलती की है और मुझे भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए, अब ये अगर विचार कंटिन्यूस मेरे दिमाग में घूम रहा है तो इसे ऑब्सेसिव या ऑब्सेशन कहते हैं। और अगर मैं इन विचार की वजह से सच में भगवान से माफ़ी मांगूं, 10 बार पैर पड़ू भगवान के या फिर कुछ आरती गाऊं या कुछ भगवान की बुक्स पढ़ूं, तो इसको कंपल्शन ऐसा कहते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर। तो ऐसा ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर है। अब इस बीमारी में एक पॉइंट ऐसा है कि इस बीमारी के वजह से जो इंसान को तकलीफ होती है तो वो व्यक्ति ये पूरी तरह जानता है कि ये जो विचार है ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी ये विचार आते हैं। उन विचारों की वजह से उनको तकलीफ होती है, उनकी इच्छा के विरुद्ध ये विचार आते हैं, वो रोकना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो रुकते ही नहीं और इसकी वजह से उन्हें तकलीफ होता है। अब ये 1-2% लोगों में पाया जाता है, औरतों के मुकाबले पुरुषों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है और बच्चों से लेके बूढ़ों तक ये कोई भी एज में हो सकता है, लेकिन जनरली ये टीनेजर्स में या फिर यंगस्टर्स में पाई जाती है। अब ये लक्षणों के हिसाब से अलग अलग ओसीडी को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो मैं आपको एक एक करके उसके बारे में जानकारी दूंगी। पहला है फियर ऑफ कॉन्टामिनेशन यानी गंदगी का डर लगना। इस प्रकार में उस व्यक्ति को यह डर लगा रहता है कि मुझ पे गंदगी ना आ जाए या मुझ पे जर्म्स ना आ जाए, और वो गंदगी अवॉइड करने की कोशिश करता है और कंटिन्यूस यही विचार उसके दिमाग में रहते हैं। अगर कहीं यूरिन दिख गई या फिर स्टूल रास्ते से जाते जाते पैर आजू बाजू में दिख गया तो उसके दिमाग में यही रहता है कि अगर मेरे पैर को लग गया तो, मेरे शरीर पे उसके छींटे उड़ गए तो मुझे तकलीफ होगी और फिर मेरे शरीर पे गंदगी आ जाएगी, और फिर उसकी वजह से वो कंटिन्यूस हाथ धोना, पैर धोना या फिर कपड़े बदलना, ऐसा उसका शुरू हो जाता है। दूसरा यानी चेकिंग, काफ़ी लोगों को कंटिन्यूस चेकिंग करने की आदत होती है, जैसे दरवाजे का लैच लगा कि नहीं, गैस का नॉब बंद किया कि नहीं, या फिर गीजर बंद किया तो चेक करना, 10-10 बार 15-15 बार वो गीजर चेक करते रहते हैं या फिर नॉब चेक करते रहते हैं गैस का। मेरा एक पेशेंट है, उसको ये चेकिंग का तकलीफ है, तो वो हर रोज घर में सब चीज़ें 10-10, 12-12 बार चेक करता है, उसमें उसका काफ़ी टाइम निकल जाता है, लेकिन जब तक उसका समाधान नहीं होता तब तक वो चेक करता है। तो वो ऑफिस में जाने के बाद उसको थॉट आया कि मैंने शायद गीजर का स्विच बंद नहीं किया है, और वो थॉट इतना इंटेंस था कि वो उसको कुछ काम ही नहीं करने दिया वो थॉट ने, और उसको हाफ डे लेके तुरंत घर पे आके वो नॉब, वो गीजर का बटन चेक करना पड़ा। तो इतनी तीव्रता कुछ लोगों में होती है। तीसरा है सेक्सुअल थॉट्स, कुछ लोगों में सेक्सुअलिटी को लेके थॉट्स आते हैं, जैसे पोर्न फिल्म्स देख के थॉट्स आना, कंटिन्यूस विचार उसके बारे में दिमाग में घूमते रहना, या फोटोग्राफ्स देख के सेक्सुअल थॉट्स आना, या फिर औरतों के या पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स को देख के सेक्सुअल थॉट्स आना, और वो थॉट्स कंटिन्यूस आते रहते हैं,
उसके वजह से उनको डिस्ट्रेस भी होता है लेकिन वो थॉट्स रुकते ही नहीं है। उसमें और एक है कि एक्सेसिव क्लीनिंग, यानी किसी किसी को हर चीज़ को क्लीन करने की आदत होती है, उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी भी गंदगी नहीं चाहिए। जैसे अगर पानी का एक छींटा भी कपड़ों पे उड़ गया तो वो सब कपड़े वापस धोते हैं, वो एक बार नहीं 10-10 बार कपड़े धोते हैं, उतना पानी वेस्ट करते हैं लेकिन वो कपड़े धोते हैं। या फिर बर्तन पे अगर कुछ छींटे उड़ गई तो वो पूरे बर्तन घर के साफ करते हैं, या फिर थोड़ा सा भी घर में किसी ने कचरा लाया पैरों की वजह से तो वो पूरा घर धो के साफ करना, वो 10-10 बार साफ करना, या फिर कर्टन्स या फिर बेडशीट्स निकाल निकाल के साफ करना, ये एक प्रॉब्लम है। उसमें एक और है सिमेट्री, यानी सब चीज़ें वही की वही वही जगह पे चाहिए, वही ऑर्डर में चाहिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो जमता नहीं है, यानी पिलो ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में चाहिए, ये बर्तन ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में चाहिए, बुक्स वो पर्टिकुलर एरिया में यानी वही एरिया में चाहिए, चप्पल एक के नीचे एक ऐसी ही चाहिए, इसको सिमेट्री कहते हैं। पाइलिंग, एक दूसरे पे पाइलअप करके रखना, यानी बुक्स पाइल चाहिए या फिर कुछ बर्तन है उनका पाइलिंग चाहिए या फिर रैक में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पाइलिंग चाहिए रहता है उनको। होर्डिंग एक है जिसमें काफ़ी लोगों में घर में कचरा जमा करने की आदत होती है, यानी छोटी छोटी चीज़ें जो उनको लगती है कि जमा करके रखनी चाहिए वो लेके आते हैं और वो घर में पूरा रूम भर जाता है, घर भर जाता है लेकिन वो जमा करके लेके आते हैं। उसमें और एक है रिलीजियस थॉट्स, जिसमें भगवान को लेके थॉट्स आते हैं कि मैंने भगवान को गाली दे, यानी भगवान को गाली देने की इच्छा होना, कंटिन्यूस गालियाँ भगवान को लेके दिमाग में आना, या फिर ऐसा लगना कि मूर्ति उठा के फेंक दूँ, वो विचार कंटिन्यूस घूमते रहते हैं, या फिर 10-10 बार 15-15 बार भगवान के पैर पड़ना, या फिर वो आरती करना पूजा करना कंटिन्यूस, उनका समाधान होने तक वो पूजा करते रहते हैं। तो ये रिलीजियस थॉट्स हैं। एक ऑब्सेशनल फियर्स होते हैं, यानी किसी लोगों में उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊँगा, या फिर मैं मेरे बच्चे को मार डालूँगा, या फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो थॉट कंटिन्यूस उनके दिमाग में आते रहते हैं। भले वो रोकने की कोशिश करें, वो जानते हैं कि ये थॉट सही नहीं है, फिर भी वो दिमाग में आते रहते हैं। तो ये थे कुछ प्रकार ओसीडी के। इसके आगे मैं दूसरे पार्ट में आपको ओसीडी के वजह से हमारी जिंदगी में रोजमर्रा जिंदगी में होने वाली तकलीफ, या फिर ओसीडी की वजह से और कौन सी मानसिक बीमारियां हो सकती है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में जानकारी दूंगी।